हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती है कि भैया मैंने कार दी थी, मेरी कार डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई है, वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है, कार कहाँ पर है। कोई कहता है एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, कोई कह रहा है कि मतलब भैया बहुत दिन हो गए अभी तक कार डिलीवरी हुई ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होता है कार लेने के बाद में पर्सनली अपने आप यूज करने लग जाते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम डीएस रावत फ्रॉम भगवती पैकर्स मूवर्स। दोस्तों आज मैं कार ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को कार ट्रांसपोर्टेशन कार करियर के बारे में जानने या समझने की उत्सुकता होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि रेट्स कैसे होते हैं, कार ठीक से कैसे पहुंचेगी और अन्य बहुत सारी इंक्वायरियां होती है लोगों की। तो आज के ज़माने में कार ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। पॉपुलेशन के हिसाब से आए दिन लोग एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, बहुत सारे लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में है, स्टेट वाइज है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। कार सबसे पहले नंबर एक, कार के पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन एंड ID प्रूफ। ये तो कार के डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरी चीज़ें जरूरी हैं। दूसरा, 40 फीट कार कंटेनर किसी भी बड़े शहर में छोटे शहरों में नहीं जा पाती है, तो इसलिए कार को पिक और ड्रॉप किया जाता है। पिक और ड्रॉप दोनों लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि कहां से कहां जाना है, कहां से कहां पिक करना है। और कार ट्रांसपोर्टेशन पिक एंड ड्रॉप डिलीवरी लोकेशन के हिसाब से किया जाता है। तीसरी चीज, कार में पिकअप एंड ड्रॉप या डिलीवरी लोकेशन तक पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पिकअप का डिस्टेंस कितना है और जहां तक कंटेनर जाएगा उसके बाद आपकी डिलीवरी लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वहां तक के लिए गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है। तो उसी टाइम ये पेट्रोल कितना कैसे होना चाहिए, ये जब गाड़ी का कार ड्राइवर पिक करने आता है तो उस टाइम में तय किया जाता है और वो बता देता है कि कितना पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। नंबर चार, जब भी कार आप किसी भी पैकर्स मूवर्स या कार कैरियर ट्रांसपोर्टर को देते हैं तो उस टाइम में कार की जो कंडीशन होती है उसका वीडियो, फोटोज और टाइम कितना लगता है, ये सारी चीजें आपने वीडियो फोटो के द्वारा तैयार रखनी है, बनवानी है और अपने कार की रीडिंग भी नोट करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि मेरी कार कितनी चली है। नंबर पांच, ध्यान रहे कि आपको कार हमेशा कार कंटेनर के द्वारा ही भिजवानी चाहिए, ड्राइव करके कभी भी नहीं भिजवानी चाहिए, क्योंकि कार कंटेनर में ही कार सुरक्षित रहती है और बाय रोड ले जाने से थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तो कभी भी कार बाय रोड नहीं भिजवानी चाहिए। हाँ, नियर बाय NCR या 200-300 किलोमीटर के रेंज में जहां कार कंटेनर की सुविधा नहीं होती है तो वहां पर ड्राइव करके ले जाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर छह, ध्यान रहे कार से भी आप दे रहे हैं किसी पैकर्स मूवर्स को, किसी कार कैरियर को, किसी कार कंटेनर वाले को, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती है कि भैया मैंने कार दी थी, मेरी कार डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई है, वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है, कार कहाँ पर है। कोई कहता है एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, कोई कह रहा है कि मतलब भैया बहुत दिन हो गए अभी तक कार डिलीवरी हुई ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होता है कार लेने के बाद में पर्सनली अपने आप यूज करने लग जाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं और एक्स्ट्रा पैसा मांगने लग जाते हैं, कार की कंडीशन खराब कर देते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से आपको जिसको भी आप कार दे रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको असुविधा ना हो और कार पिकअप के टाइम सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। और दोस्तों
हम कार कैरियर और कार ट्रांसपोर्टेशन की समय पर जानकारी शेयर करते रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी और जानकारी के लिए आप भगवती पैकर्स मूवर्स में संपर्क कर सकते हैं। नंबर 7 को इम्पोर्टेंट बात है, सभी लोगों को रेट जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और जानना भी चाहिए रेट कैसे तय किए जाते हैं। जिस टाइम भी आप कॉल करते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बेस पर एक साथ रेट कोट नहीं किए जा सकते हैं, गाड़ियाँ छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, और गाड़ियों के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, गाड़ियों के टाइप ऑफ कार्स के हिसाब से गाड़ियों के रेट तय किए जाते हैं और उसकी डिस्टेंस देखी जाती है या लोकेशन देखा जाता है, उसी हिसाब से गाड़ियों के रेट तय किए जाते हैं। जिस टाइम आप कॉल करते हैं उसी टाइम सारी चीज़ों का जायजा लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम रेट कोट करते हैं। डोर टू डोर पिकअप के चार्जेज अलग होते हैं, कई बार गाड़ी को हाईवे से पिक करना होता है और कई बार क्या होता है डोर डिलीवरी आसानी से हो जाती है, उसी हिसाब से रेट भी तय किए जाते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कार ट्रांसपोर्टेशन, कार कैरियर के बारे में कोई जानकारी, हमेशा आप भगवती पैकर मूवर में कॉल कर सकते हैं। हम आपकी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंक्वायरी की जानकारी हासिल करना हो भगवती पैकर मूवर में आप कभी भी फोन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।